नमस्कार, मैं सोनम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से, और सामने ही आप देख रहे हैं रूम नंबर 11। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल बुरा जो नायब तहसीलदार हैं, वो जो है इस्तीफा देकर जा चुके। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिली है, आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि लोगों की भीड़ भी यहाँ पर लगी हुई है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे थे कि जिस तरीके से रोज ही इस तरीके के केस आ रहे थे कि सभी तहसीलदार जो है रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और जिस तरीके से अरेस्ट होते हैं, उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये वो रूम है। आप दिखाना भी चाहेंगे कि इस रूम के अंदर फिलहाल कोई नहीं है। आप देख भी पा रहे हैं कि रूम जो है फिलहाल देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि तहसीलदार है, आप तहसीलदार हैं जो कि करनाल से है, रूम नंबर 11 में बैठे थे, आज जो है कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि वो इस्तीफा देकर जा चुके हैं। खुद डीसी साहब ने जो है ये बात जो है कंफर्म की है, और सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे क्योंकि आए दिन लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं लेकिन उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जाता है, और जिस तरीके से इस्तीफे दिए जा रही है ये उसी बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि लोग परेशान हैं। और जिस तरीके से रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं चल रही थी, कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, कब से यहाँ पर आए हैं काम करवाने? अभी आए हैं। क्या काम कराने के लिए आए थे? तहसीलदार साथी चाहिए? क्या लगता है आपको, एक आम नागरिक होते हुए जिस तरीके से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तहसीलदार छोड़कर जा रहे हैं अपनी कुर्सियाँ, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार करेगा तो नहीं आएगा, लोगों की शिकायत करेगा। कहीं ना कहीं आम लोग परेशान हो रहे हैं इस बात से? आम लोग परेशान है, जब भ्रष्टाचार करते हैं कहीं से पैसे नहीं मिलते तो कोई परेशानी तो आती है। जी सर, आप क्या काम करवाने के लिए आए? साइन कराना है। किसके साइन करवाने? तहसीलदार साहब। तो अभी तो है नहीं, तो क्या करेंगे? स्टेट में रजिस्टर कोई है जो पहले एक को अरेस्ट किया जाता है फिर दूसरे इस्तीफा दे देते हैं, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार डर के लिए इस्तीफे देंगे। तो इनको भी डर था कहीं ना कहीं? क्या कहेंगे आम नागरिक होते हुए, कहीं ना कहीं आम लोग ही परेशान हो रहे हैं इस बात से? आम लोग थोड़ा बहुत तो परेशान नहीं होगी जी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपके सिग्नेचर तो होंगे नहीं आए जाएगा जी, आज नहीं होंगे कल हो जाएगा, धक्के रखने पड़ेंगे। तो अभी तो तहसीलदार इस्तीफा दे चुके हैं, फिर क्या क्या होगा आम लोग? डीसी साहब वो चार्ज करते हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, और जिस तरीके से विजिलेंस की टीम जो है कार्रवाई कर रही है, तहसीलदारों के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि राहुल बुरा जो नायब तहसीलदार हैं, वो पहले छुट्टी लेकर कहीं ना कहीं गए थे लेकिन अब जो है हमेशा के लिए छुट्टी देकर जो है चले गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक मामला सामने आया था कि तहसीलदार को जो है कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया था विजिलेंस की टीम के द्वारा, और उसके बाद आज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक और तहसीलदार जो है यहाँ से कुर्सी छोड़कर कहीं ना कहीं जा चुके हैं। लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लोग कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, और जिस तरीके आप देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा पैदा हो गया था, उसके बाद जो है सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तहसीलदार साहब, आप क्या कराने आए थे? तो अभी तो है भी नहीं, वो इस्तीफा दे चुके हैं, क्या कहेंगे आम लोग? कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं इस बात फिर मतलब डीसी सर ही सौंप देंगे किसी को? क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार फैल रहा है इसीलिए सारे कुर्सियाँ छोड़ रहे हैं? तो देख पा रहे हैं आप, आम लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज से दिक्कत हो सकती है क्योंकि पूरी तहसील में आप देख पा रहे हैं कि लोग जो है कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा लगी हुई है। फिलहाल जो है स्टैंप की कार्रवाई की जा रही है लेकिन स्टैंप के बाद भी अगर सिग्नेचर की बारी आएगी तब पता चलेगा। जिस तरीके से तहसीलदार साहब यहाँ से जा चुके हैं इस्तीफा देकर, खुद डीसी साहब ने ये जानकारी दी थी, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा क्या कुछ करवाने के लिए आए थे, क्या कुछ कहेंगे इनसे पूछ लेते हैं। जी सर, क्या अब क्या करेंगे? अब तो तहसीलदार तहसीलदार एक परमिशन लेनी थी। अच्छा, कब से आ रहे हो यहाँ?
तो लगता है कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, आम लोगों की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तभी ये लोग जा रहे हैं, कैसा लगता है? भाग रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन को, क्या कहेंगे? तो देख सकते हैं विजिलेंस की एक बड़ी कार्रवाई, देख सकते हैं आप इसके बाद आप ये भी यहाँ पर बताना चाहेंगे जिस तरीके से नया जो तहसीलदार है वो आज अपना इस्तीफा देकर जा चुकी है, आपको से यहाँ पर परेशान है क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई की जाती है विजिलेंस की टीम के बाद और आप देख पा रहे हैं कि उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जाती है, तहसीलदार को उनके रीडर को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाता है और आज एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यहाँ पर जो तहसीलदार थे वो जो इस्तीफा दे चुके हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी ज्यादा भारी संख्याओं के अंदर कहीं ना कहीं लोग हैं और राहुल पूरा तहसीलदार जो है कहीं ना कहीं जा चुके हैं इस्तीफा देकर आपका फॉर्म भराने के लिए आए थे। तहसीलदार की पेट में अब तो आएंगे क्या लगता है फिर बनेगा आप काम आपका? परेशान हो रही है आम जनता, सुबह के बाद कब के आए हुए आप? 12 बजे। तो देख सकते हैं कई घंटों तक ये वो लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं, जिससे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम मेरी एक RTI थी, कमिश्नर साहब ने आदेश दिए उसके बावजूद भी मेरे को जानकारी नहीं दी जा रही यहाँ से, और मेरा केस था 2016 का केस है मैम मेरा पेंडिंग, जिसमें कमिश्नर सर के आदेश के ऊपर SDM सब डिविजन मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट में अलका काना को तहसीलदार, अलका काना को रामेश्वर, तहसीलदार जयप्रकाश और DRO जो मौजूदा दौर में है।